हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम कार क्राफ्ट में। मैं आपका होस्ट दीपक। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बाइक की। कार्स की तो हमने काफ़ी वीडियोस बनाई है, तो आज हम बाइक की डिटेलिंग करेंगे और क्या क्या इसमें काम रहता है एक बाइक में। अब आप कहेंगे कि बाइक की क्या डिटेलिंग हो सकती है, वॉश करवाई हो गया, लेकिन बाइक में भी आपका पेंट सरफेस पूरा रहता है, इसको भी प्रोटेक्शन की नीड रहती है, क्रोम है, इसको भी क्लीनिंग की पूरी नीड रहती है। वॉशिंग में आपने जस्ट सिर्फ कार अपना कार और बाइक का वॉश लिया और आपने कहा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉशिंग एक अलग चीज़ है, उसके बाद डिटेलिंग एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे आज हम इसका प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे। तो लेदर की सीट है, इसको भी क्लीनिंग के बाद कंडीशनिंग पूरा किया जाएगा और इसमें लास्ट में हम सेरेमिक की प्रोटेक्शन देंगे। उससे पहले पेंट को पूरा करेक्ट करना है, सॉल मार्क्स रिमूव करने हैं, क्रोम पार्ट की पॉलिशिंग करनी है, डीप क्लीनिंग दी जाएगी स्टीम से। और तो इंटरसेप्टर डबल साइलेंसर बाइक बहुत बेहतरीन बाइक है, तो इस पर हम एक बार ही काम स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टीम रेडी हो चुकी है, जिससे हम अभी ये स्टार्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉर्नर कॉर्नर तक स्टीम अपना जाती है। यहाँ पे अभी मैं आपको पेंट करेक्शन का एक डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पेंट में पूरे स्वेल मार्क्स हैं, काफ़ी ज़्यादा माइनर स्क्रैचेस भी हैं, तो हम किस वो पेंट को रिफाइंड किस तरीके से करेंगे ये एक बाइक। ये आप देख सकते हैं हमने इसमें अभी ये वाला हिस्से को पेंट करेक्शन किया। आप यहाँ पे पेड़ की शेडो और ये सारा देख सकते हैं ग्लॉस इसकी बिल्डिंग की। और अगर यही मैं इस तरफ आता हूँ यहाँ पे कैसे ये सोल मार्क्स है, लो जी साड़ी बुलेट फाइनल हो गई है, एकदम नहा धो के तैयार। डिटेलिंग फाइनल है इसकी, बाकी देखते हैं एक बारी नहाने में और डिटेलिंग में क्या फ़र्क है, वॉशिंग में और डिटेलिंग में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर इसकी डिटेलिंग करी है। एक बाइक में भी कम से कम 3 से 4 घंटे इजली लग जाते हैं, तो देखते हैं एक बारी।
तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाकी आपको हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीम कार क्राफ्ट।